श्री शिवाय नमस्ते। आज की ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें की संतान नहीं है। बहुत डॉक्टर दिखाने के बाद भी जिनको संतान की प्राप्त नहीं हो रही है, या सफ़ेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधने के बाद भी अगर संतान नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले एक उपाय बताया था कि सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ होती है, जिसे आँख या मंदार भी कहते हैं, तो सफ़ेद आँख या मंदार की जो जड़ होती है उसको रजस्वला धर्म के सातवें दिन, जिस दिन आपका रजस्वला धर्म का सातवां दिन है, उस दिन पति पत्नी दोनों जाकर उस जड़ को लेके आएं और शंकर जी के मंदिर में शंकर जी के ऊपर से इस तरह 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर इस तरह घुमाना है 21 बार। और शंकर जी को देखते हुए ही नारी अपने कमर में बांध ले उस जड़ को लाल धागे से, तो संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। और इस उपाय से न जाने कितनों माता पिता के घर में रोशनी, जो कहते हैं कि संतान नहीं होती है तो घर अंधेरा रहता है, तो उनके घरों पे रोशनी हुई है। 25-30 साल के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। लेकिन किसी किसी माता पिता को जो है वो बहुत कोशिश के बाद भी, यू टेस्ट ट्यूब बेबी इत्यादि कराने के बाद भी बेबी नहीं हो रहा है, और इस उपाय को उन्होंने किया फिर भी अगर उन्हें लाभ नहीं हुआ, बेबी नहीं हुआ, दो बार तीन बार करके देखा, पशुपति व्रत भी किया तब भी नहीं हुआ, तो हो सकता है कि उनको कोई दोष इत्यादि होता है कि पितृदोष हो या वास्तु दोष इत्यादि हो, तो मे बी किसी भी कारण से नहीं हो रहा होगा, तो एक और उपाय वो कर सकते हैं। और इस उपाय से अगर ये सारे उपाय करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो इस उपाय से अवश्य होगा। तो ये उपाय जिसने भी किया है, आज तक ऐसा कोई नहीं जिनका घर पे संतान नहीं हुई हो, तो करना क्या है, सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जरूरी नहीं है कि आपके घर पे ही बेलपत्री का वृक्ष हो, कहीं भी बेलपत्री का वृक्ष हो उसके नीचे आप किसी ब्राह्मण को बुला लें, जो जिनके बच्चे नहीं हैं वह किसी ब्राह्मण दंपत्ति को बुला लें और उनके संतान को, मतलब किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनके संतान को किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठाकर उनको खीर खिलाएं, और उनका खीर खाने के बाद जो खीर बच जाएगा, जो प्रसाद स्वरूप वो खीर छोड़ देंगे थाली में, उस खीर को पति और पत्नी दोनों को ग्रहण करें जिनके बच्चे नहीं हैं। ग्रहण करने के बाद उस जो बेलपत्री का वृक्ष है उनकी पूजा करें, उन वहाँ पर एक दिया जलाएं, बाबा से प्रार्थना करते हुए, क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 33 कोटि देवी देवता झाड़ू लगाते हैं, वहाँ पे वो निवास करते हैं, शंकर जी जितने भी देवी देवता हैं सब बेलपत्री के वृक्ष जो होते हैं उनके नीचे भी निवास करते हैं। तो सोमवार की अष्टमी तिथि को किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनके बच्चे को खीर का भोग लगाएं, उन्हें खिलाएं खीर, और बची हुई खीर को पति पत्नी दोनों खाएं, बेलपत्री के वृक्ष की पूजा करें, एक दिया जलाएं, बाबा से प्रार्थना करें कि उनके घर में एक संतान की प्राप्ति हो, उनके वंश में वृद्धि हो, तो महादेव कृपा अवश्य करते हैं। और इस उपाय को करने के बाद जिनकी शादी को लगभग 35 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए थे उनके घर में भी संतान की प्राप्ति हुई, और एक नहीं दो जुड़वा बच्चे हुए उनके। तो इस उपाय को अवश्य करें सोमवार की अष्टमी तिथि को, क्योंकि बहुत माता पिता निराश हो जाते हैं कि शादी के बहुत साल हो गए हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, हर जगह दिखा लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो बस एक बार ये करके देखिए। आपने सब कुछ करके देख लिया, बस अब एक बार ये करके देख लीजिए, और फिर देखिए आप पे महादेव की कृपा अवश्य होगी, आपके सोने घर में बच्चों की किलकारी अवश्य गूंजेगी। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर और आसान उपाय पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यहाँ आपको बहुत आसान से उपाय बताए जाते हैं जिनसे कि आपकी ज़िंदगी में जो भी दुख परेशानी है वह कट जाए और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। तो ऐसी वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा, ताकि कोई भी इंसान जो जिनके बच्चे नहीं हैं उनके घर में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आए और उनकी जो सुनी ज़िंदगी है वो रंगीन हो जाए। श्री शिवाय नमस्ते। प्यारे